नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव का रत्न मूंगा आपको किन किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए और किन किन परिस्थितियों में धारण नहीं करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर हम आपको मेष लग्न और मंगल देव की कुछ साधारण सी बातें हम आपको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं मेष लग्न के स्वामी मंगल देव होते हैं, वो इस कुंडली के लग्नेश होते हैं। मेष लग्न जो है वो अग्नि तत्व का लग्न होता है। यहाँ पर अगर आगे देखा जाए तो मंगल देव जो है इस मेष लग्न के स्वामी होते हैं। और मंगल क्या है आप सभी जानते हैं, मंगल एग्रेसिवनेस है, मंगल ऊर्जा है, क्षमता है, कार्य करने की जो ताकत होती है आपके अंदर, जो रक्त है वो सारी चीज़ें मंगल है, जो रक्त में उबाल होता है, किसी भी काम को करने की जो जज्बा होता है वो सारी चीज़ें मंगल आपको प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मंगल की कुछ साधारण सी बातों के ऊपर। मंगलदेव की स्वराशि मेष और वृश्चिक राशि होती है। मंगलदेव उच्च होते हैं मकर राशि में और मंगलदेव नीच होते हैं कर्क राशि में। ये मंगल की कुछ साधारण सी बातें मैंने आपको बताई। और कुंडली के दशम स्थान में मंगलदेव दिशा बली होते हैं। यहाँ पर कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर लग्न में एक नंबर लिखा है, इस वजह से ये मेष लग्न की कुंडली बनी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, योग कारक ग्रह होते हैं मंगलदेव इस मेष लग्न की कुंडली के लिए। जहाँ बैठेंगे, जिस घर में जाएंगे, जिस घर को देखेंगे, वहां से अच्छे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त करवाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आप इनका रत्न मूंगा कब किन परिस्थितियों में धारण करें और कब नहीं धारण करें। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जनरल प्रेडिक्शन रहेगा। यहाँ पर हम आपको आपकी न तो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के आधार पर, न आपके नक्षत्र के आधार पर, न इनकी अवस्था के आधार पर आपको फलादेश देंगे। ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है कि इस भाव में है तो आप पहन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप ये ओवरऑल जानना चाहते हैं कि आपका रत्न है मूंगा आप पहने या नहीं पहने, तो वो पर्सनलाइज आप कुंडली एनालिसिस अगर आप करवाते हैं तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मंगल आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में मेष राशि में विराजमान है तो यहाँ पर आप इनका रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। और फर्स्ट हाउस में जब मंगल आता है तो यहाँ पर कहना चाहूँगा इनकी दृष्टिया जो है वो लगभग आप समझ लीजिए चौथे, सातवें और आठवें घर पर पड़ती है। तो यहाँ पर इन घरों से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। चौथे घर से रिलेटेड सुख समृद्धि देगा, सप्तम घर से वैवाहिक जीवन और अष्टम घर से आपको अचानक धन लाभ की प्राप्तियां यहाँ पर मंगलदेव देने वाले होंगे। वहीं अगर आगे देखा जाए तो मंगलदेव की अगर वृषभ राशि में स्थिति है या मंगल दूसरे घर में विराजमान है आपके, तो वहां पर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको शुक्र के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देखनी होगी। और दूसरा यहाँ पर यह देखना होगा कि शुक्र और मंगल का संबंध बन रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे धन समृद्धिदायक यह मंगलदेव का रत्न मूंगा रहने वाला होगा। और यहाँ पर संतान प्राप्ति में भी आपको ज्यादा हेल्प यहां पर यह रत्न करेगा और साथ ही भाग्योन्नति भी आपको यह प्रदान करेगा। वहीं अगर आगे देखा जाए तो तीसरे घर में क्या मंगल का रत्न पहनना चाहिए, बिल्कुल आप तीसरे घर में मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हैं। अगर यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री बन जाती है तो आप यहां पर तीसरे घर में मंगल का रत्न पहनिए। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो पराक्रम परिश्रम के कारक होते हैं और तीसरे घर में पराक्रम परिश्रम का स्वामी आया हुआ है, तो यहां पर आप योग कारक होने के कारण इनका रत्न धारण कर सकते हैं। और यहां से मंगलदेव आपकी नौकरी सेंशन करेंगे और कर्ज और रोक में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी मेहनत से आपके भाग्योन्नति आपको प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र आपका जल्दी सही तरीके से सेट हो जाएगा और आपको जो काम करना चाहिए वो चलकर आपके पास आएगा। बात करेंगे चौथे घर में, चौथे घर में देखा जाए तो मंगल यहां पर हो जाते हैं नीच के, क्योंकि कर्क राशि आती है और अगर इनके ऊपर कहीं चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो आप नीचता भंग होने की स्थिति में आप इनका रत्न पहन सकते हैं, अन्यथा आप इनका रत्न नहीं पहने तो आपके लिए शुभता रहेगी। पंचम घर की अगर बात की जाए तो पंचम घर में भी आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं।
वो भी आपके लिए शुभता लेकर आएंगे। और यहाँ पर मंगलदेव आपकी इनकम सोर्स बहुत अच्छी कर देंगे। साथ ही एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मंगल जो है यहाँ पर पंचम घर में विराजमान होकर आपको लव लाइफ में भी सक्सेस देंगे और साथ ही एजुकेशन भी बहुत अच्छी आपकी कर देंगे। यहाँ से मंगल विदेश यात्रा का योग भी आपके बनाएंगे, अच्छा रहेगा अगर आप मंगल का मुंगा पहनेंगे। तो बात करेंगे छठे घर में, छठे घर में आपको इनका रत्न नहीं पहनना चाहिए क्योंकि मंगल जो है वो छठे घर में लग्नेश होकर आए हुए हैं। लेकिन एक परिस्थिति, अगर आप नौकरी चाहते हैं और दूसरे ग्रहों की स्थितियां जैसे कि देख सकते हैं बुधदेव की स्थितियां अच्छी है, बुध इनके साथ तात्कालिक मैत्री में है और बुध का और मंगलदेव का दोनों का जो संबंध है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, दृष्टि संबंध भी अच्छा है दोनों के अंदर, अगर देखा जाए षडबल भी अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ पर आप उनका रत्न पहन सकते हैं, वो भी आपकी जब तक आपका मनोरथ नौकरी सिद्ध हो तब तक। उसके अलावा आप इसे नहीं पहने तो अच्छा रहेगा। बात करेंगे कुंडली के सप्तम घर में, सप्तम घर में आप मंगल का रत्न मुंगा पहन सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, शुक्रदेव की स्थिति अच्छी होने पर मंगल आपका वैवाहिक जीवन का अच्छा योग भी बना देंगे, कर्म क्षेत्र अच्छा कर देंगे और आपको भी बहुत अच्छा धन लाभ भी यहाँ पर मंगल करवाने वाले होंगे। आपके अंदर एग्रेसिवनेस, कार्य करने की ऊर्जा यहाँ पर मंगल प्रदान करेंगे। अष्टम घर की अगर बात करें तो अष्टम घर में आपको भले ही वृश्चिक राशि के मंगल स्वराशि के हैं पर इनका रत्न नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदायक रहेगा और दुर्घटनाओं को आमंत्रित करेंगे आप, और आपके वजह से आपके परिवार में भी बहुत ज़्यादा धन खर्च हो सकता है, परिवार में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती है, इनकम कुछ हो सकती है, आपकी आय स्रोत जो है वो गुप्त चीज़ों से रह सकती है, गुप्त धन लाभ और आय स्रोत देने का काम मंगल यहाँ पर कर सकते हैं। मेहनत के अच्छे परिणाम कम मिलना यहाँ पर मंगल देंगे, यहाँ पर आप रत्न नहीं पहने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे भाग्य स्थान में, लग्नेश भाग्य स्थान में आए हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। आप मंगल का रत्न पहनिए, आपको शानदार परिवर्तन जीवन में मंगल देगा। और ध्यान रखिएगा मंगल का ये जो स्टोन है गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री भी करना चाहिए और दूसरे एक्सेप्ट जो मैंने बताया है नक्षत्र वगैरह सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। दशम स्थान की अगर बात करें तो दशम स्थान में मंगल उच्च राशि के होते हैं मकर राशि में, तो उनका आप रत्न धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शानदार परिवर्तन लेकर आएंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अच्छी चीज रहेगी, माता भूमि मकान वाहन सुख हर चीज का सुख आपको प्रदान करेंगे मंगलदेव। और सबसे बड़ी चीज एक मैं कहना चाहूंगा, धन का लाभ भी यहाँ पर मंगल आपको देने वाले होंगे। साथ ही संतान प्राप्ति में अगर कोई परेशानियां हैं तो उसे भी दूर करने का काम मंगल की स्थिति आपके करने वाली होगी। बात करेंगे ग्यारहवें घर में आपको मुंगा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ग्यारहवें घर की अगर बात की जाए तो ग्यारहवें घर में भी आप मुंगा धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शनि की स्थिति इनके साथ देखनी होगी, तात्कालिक मैत्री देखनी होगी, साथ ही शनि के नक्षत्र वगैरह, शनि की क्या स्थिति, सारी चीजें देखकर आप इनका रत्न पहन सकते हो। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, इलेवंथ हाउस में जो मंगल है आपके संतान प्राप्ति में आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें प्रदान करेगा, शिक्षा अच्छी देगा, लव लाइफ अच्छी कर देगा, आपको प्रॉफिट और लाभ बहुत अच्छा गेन करवाएगा। साथ ही ध्यान ये रखें कि चौथी इनकी दृष्टि जो धन पर जा रही है तो वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम मंगल की स्थितियां प्रदान करने वाली होगी, नौकरी आपकी सेंशन करेगी और नौकरी से आपको आय की प्राप्तियां यहां पर मंगल की स्थितियां करवाएगी। लेकिन कुछ हद तक मंगल की स्थितियां आपको रोग भी दे सकती है और साथ ही आपको तर्क वितर्क भी करवा सकती है और फोकट का आपको कर्ज की वृद्धि यहां पर मंगल की स्थितियां दे सकती है, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। बारहवें घर की बात करें तो बारहवें घर में आपको इनका रत्न नहीं धारण करना चाहिए, यह आपके लिए सर्वथा नुकसान लेकर ही आने वाला होगा, आपको किसी प्रकार की अच्छी चीजें नहीं प्राप्त करवाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर ये जान भी ले कि आप भी कोई कह दे कि आपको विदेश यात्रा करनी है तो आप बारहवें के मंगल का रत्न धारण कर लीजिए, या आपके मांगलिक दोष है आप बारहवें मंगल को धारण कर लीजिए तो मत करिएगा, बहुत बड़ी परेशानियां मंगल की स्थितियां लेकर आएगी और जीवन में बड़ी परेशानियां आपको दे देगा, साथ ही वैवाहिक जीवन को तबाह करके मंगल की स्थितियां रखने वाली होगी। यहाँ पर आप मंगल के उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल मैंने 1 से 12 घरों में आपको बताया कि आपको किन स्थिति में का रत्न धारण करना चाहिए। यहां पर मैं आपसे एक चीज क्लियर कर देता हूं, तीसरे छठे आठवें बारहवें तीसरे घर में आप फिर भी धारण कर सकते हैं, 6, 8, 12 में मंगल का रत्न नहीं पहनना है और साथ ही नीच राशि यानी कि चौथे घर में आप मंगल का रत्न नहीं धारण करें। इन 4, 6, 8, 12 को घरों को छोड़कर आप मंगल का रत्न आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रखिए कि बिना कुंडली विश्लेषण करवाए, बिना उनके डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, बिना उनकी अवस्था, बिना उनका नक्षत्र, बिना उनकी हर चीज की एनालिसिस करवाए आप रत्न धारण करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। यहां पर आप इनका एनालिसिस करवाए उसके बाद इस रत्न को धारण करने आपके लिए शुभता रहेगी। लेकिन चौथे छठे आठवें और बारहवें घर में इनका रत्न आप धारण नहीं करें, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें रहेगी। यहां पर आप इनका उपाय कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं, यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रत्न का उपयोग जीवन में कभी नहीं करेंगे चौथे छठे आठवें बारहवें घर में।
ओवरऑल आज की वीडियो में आपने जाना है कि मेष लगने की कुंडली में मंगलदेव का रत्न मुंगा आपको कब धारण करना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रदान की। अगर आप आपकी कुंडली का एनालिसिस करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली आपके लिए क्या कहती है और आपका कौन सा स्टोन बनता है, तो नीचे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते और कुंडली का एनालिसिस ले सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।